हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक हैं और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो जैसा कि टाइटल से आपको पता चल ही गया है कि इस वीडियो में क्या होने वाला है, तो मैं बस आप लोगों के साथ यही शेयर करना चाहता हूँ कि घर से दूर आकर एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट दिन कैसे बीतता है जब कोई कॉलेज होता है। तो बस वही दिखाना चाह रहा हूँ इसमें, तो आप इंजॉय करिए। गुड मॉर्निंग सभी को। तो मैं उठ गया था 20-25 मिनट पहले, बेड में ही लेटा हुआ था, आलस के मारे ठंड हो रही है। और अभी टाइम बताऊँ तो 9:04 हो गए हैं। तो 8:30 में जनरली उठ ही जाता हूँ रोज। मेरे दिन की शुरुआत होती है इस गर्म पानी के गिलास से। इसको पीते पीते मैं करता हूँ अपनी मॉम से बात। तो अपनी मम्मी से भी बात कर लेते हैं, फिर आपको दिखाता हूँ मैं क्या करता हूँ। एक ज़रूरी चीज़ भी बता दूँ कि मेरा आज लेक्चर है 12 बजे, इसलिए मैं उठाऊँ 9 बजे, वरना मैं 6 बजे भी उठता हूँ। इतना आलसी हूँ नहीं जितना दिख रहा हूँ आज। और 9 बजे क्लास के लिए मैं 6 बजे उठता हूँ। वो बात अलग है कि मन नहीं करता उठने का, बट हाँ उठता हूँ मैं हर रोज़, मैं ऐसे लेट नहीं उठता। अब बारी आती है मेरे नहाने जाने की, तो मैं रेडी हो गया नहाने के लिए। और नाश्ता मैं करता हूँ नहाने के बाद ही, क्योंकि मेरे से बिना नहाए नाश्ता नहीं किया जाता। और मैं नहाता भी रोज़ हूँ, ऐसा नहीं हूँ कि मैं छोड़ के ना हूँ, चाहे जितनी भी ठंड हो। नहाने से मेरे को एक लगता है कि हाँ फ्रेश हूँ मैं आज पूरे दिन, तो नहाना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। ये होता है सेंट्रलाइज्ड हीटिंग, और ये है गीज़र के लिए जो मैं कर रहा हूँ ऑन। और दिखाऊँ गीज़र, तो ये होता है गीज़र, डायरेक्ट गर्म पानी आता है, कोई वेट करने की ज़रूरत नहीं है। बटन ऑन कर दिया, यहाँ से गर्म पानी। और एज एन इंडियन ये बहुत ज़रूरी है भाई, अगर आप यूरोप में आ रहे हैं। मैं कप लाना भूल गया था और मैंने यहाँ ख़रीदा भी नहीं है, तो मैंने ये मिल्क की बॉटल को काट लिया है। और जो लोग समझदार हैं वो समझ जाएंगे कि ये चीज़ क्या है और इसका इस्तेमाल क्यों होता है। शावर ले लिया है मैंने, तो थोड़ा फ्रेश फील हो रहा है। और लग रहा हूँ मैं साफ़ सुथरा या नहीं वो भी बता देना कमेंट्स में, अगर नहीं लग रहा हूँगा तो कल से थोड़ा और अच्छे से थोड़ा टाइम लेकर नहा लिया करूँगा। और अब करेंगे नाश्ते की तैयारी, और उससे पहले भगवान का नाम ले लिया जाए जो बहुत ज़रूरी है। आज मैं नाश्ते में बना रहा हूँ मैगी, और क्योंकि मेरा बचा हुआ आटा जो मैंने गूंथा हुआ था वो ख़त्म हो चुका है अनफॉर्चुनेटली। और जब कॉलेज होता है तो मैं वो सरदर्दी नहीं लेता कि आटा भी गूंथूँ सब्जियाँ भी बनाऊँ, तो जो जल्दी बन जाए वो कर लेता हूँ जब कॉलेज होता है। और ये है मैगी, हाँ इंडियन वाली मैगी है जो मैं लेकर आया हूँ आइसलैंड से। ये पड़ी है मेरे को 3 point something euros की, जिसमें 5 packets आए थे। हाँ महंगा है ऑब्वियसली, इंडिया से तो महंगा होगा अगर आप कन्वर्ट करोगे। और जनरली वैसे अगर आप ये सिंगल पैकेट लेते हैं तो ये पड़ता है 1.75 euros का, तो मतलब 3 euros में मेरे को 5 packets मिल गए, तो मेरे को मुनाफे की डील लगी थी, तो मैंने ले ली। अब इसको बनाते हैं, साथ में चाय वाय भी होगी तो मैं दिखाता हूँ। नाश्ता हो गया है प्रिपेयर्ड, तो ये है टोर्टिला, मतलब रोल वाली रोटी मान लो जो बनती है आटे की यहाँ पे। और ये है चाय साथ में, और इसके अंदर मैंने डाली है मैगी, मतलब रोल वाली फील आती है मेरे को तो, जैसे वेज रोल होते हैं चाउमीन वाले। तो अब इसको मैं करता हूँ इंजॉय, फिर मिलता हूँ। पेट पूजा मैंने कर ली है, और खाना खाने के तुरंत बाद जो मैं काम करता हूँ वो होता है बर्तन धोने का। मैं टालता नहीं हूँ कि जब कॉलेज से आऊँगा तब धो लूँगा, तो साथ साथ ही मैं कर लेता हूँ ये काम, सही लगता है मतलब मेरे को तो। और इन सब कामों में टाइम लग गया मेरे को, जैसे देख सकते हो 10:42 हो गए हैं, तो 1.5-2 घंटे लग ही जाते हैं उठने के बाद ये सब कामों में। अब मैं करूँगा अपनी तैयारी, तैयार होऊंगा और बस पकड़ने के लिए निकलूँगा, और वो भी साथ साथ दिखाता रहूँगा मैं। मैं हो गया हूँ कॉलेज के लिए रेडी, तो मैंने सोचा कि मैं जब निकल रहा हूँ तो मैं उससे पहले आपको चीज़ें अपनी बताऊँ, 5 चीज़ें जो मैं निकलने से पहले रखता हूँ अपने पास। सबसे पहले तो मेरा मोबाइल जिससे वीडियो बन रही है, दूसरी आ जाती है मेरी घड़ी, और इसके बाद आता है पर्स जिसमें मैं रखता हूँ लीप कार्ड जो बहुत ज़रूरी है, फिर आता है मेरा हैंकी मेरे पास हमेशा रहता है, और फाइनल थिंग मेरे ईयरफोन्स। तो मैं टाइम पे एकदम निकल चुका हूँ, कितना बढ़िया लग रहा है नज़ारा। टाइम हो रहा है 11:10 हो गए हैं,
तो यहाँ पर मैं बस से उतर चुका हूँ और ये है मेरे पीछे ईडन हॉल। अब यहाँ से जाएंगे कॉलेज के लिए 500-700 मीटर आगे है पैदल, बाकी 10 मिनट लगते हैं पहुँचने में। तेज तेज चलेंगे मेरे पापा की तरह, तो 5 मिनट में भी पहुँच सकते हो वरना 10 मिनट। और आज मेरे साथ मेरा एक क्लासमेट है राहुल। कहाँ से? मुंबई से हैं? नहीं, पुणे से है भाई। तो इनके साथ जा रहा हूँ आज मैं। तो मेरा पहला लेक्चर ख़त्म हो गया है, ये था डी ब्लॉक, और अब मैं जा रहा हूँ एफ़ ब्लॉक में, जहाँ पे मेरी दूसरी क्लास है एक घंटे बाद। ये आ गया है मेरा एफ़ ब्लॉक, और अभी थोड़ा क्राउड कम है कॉलेज में, और ये पार्किंग एरिया है, और ये सामने जो दिख रहा है ये MTU एरेना खुला है, कुछ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स टाइप मान लो, वहाँ पर खेल सकते हैं इंडोर गेम्स, और जिम भी है वहाँ पर, डस्टबिन वगैरह हैं। ये टीचर्स के रूम है, लेक्चरर्स के मतलब, जैसे यहाँ पे ये लेक्चरर्स बैठते हैं, और मेरी है क्लास। ये कंप्यूटर लैब मेरी है यहाँ F2.10। तो ये है मेरी एफ ब्लॉक वाली क्लास, ऐसी है। और ये बताऊँ, सेंट्रलाइज्ड हीटर हैं, ये स्मार्ट टीवी, मतलब इसे लैपटॉप कनेक्ट करते हैं हमारे लेक्चरर्स, ये बोर्ड है, ये मॉनिटर है किस चीज़ का, हाँ एयर क्वालिटी चेक करने के लिए, और ये बोर्ड है फिर से वैसे ही, और पंखे तो होते नहीं हैं यहाँ पर क्योंकि ठंडी रहती है जनरली, तो बढ़िया। ये सिर्फ एफ़ ब्लॉक वाली क्लास ऐसी है हमारी, सारी क्लासेज ऐसी नहीं होती। कहीं आप सोचें कि पूरे कॉलेज की क्लासेज सेम डिज़ाइन की होंगी, वो लेयर वाली क्लासेस भी होती हैं। तो ये है बस यहाँ का सीन। मेरी आज की आखिरी क्लास हो गई है ख़त्म, टाइम हो गया है 5, तो मैं जा रहा हूँ सीधा घर, भूख लग रही है, खाना वाना खाएंगे घर पहुँच के। फाइनली मैं आ गया हूँ घर पे, और टाइम हुआ है 5:30, और मैं निकला था 5 बजे कॉलेज से, तो मेरी किस्मत आज अच्छी थी कि मेरे को टाइम पे बस मिल गई। वैसे जनरली वेट ही करना पड़ता है 15-20 मिनट मिनिमम। तो अब करते हैं चेंज वगैरह और फिर बनाएंगे खाना तुरंत। बट खाना बनाने से पहले एक होती है बहुत ज़रूरी चीज़ जो आपको भी बताता हूँ, तो वो ज़रूरी काम जो है, जो मैं कह रहा था खाना बनाने से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो है ये। तो हम दोस्त जो हैं इंडिया में बैठे हुए, वो डिसाइड करा है हमने कि हम रोज़ शाम को अगर हर कोई फ्री होगा तो एक गेम खेला करेंगे पबजी का, जिसमें हम सारे दोस्त जिससे बात भी कर सकें, मस्ती भी हो सके बातों में, और गेम भी हो जाए, इंटरटेनमेंट भी हो जाए। तो ये हम करते हैं, तो शुरू करते हैं हम अपना गेम प्ले, और फिर बनाऊंगा मैं खाना। और मैं एक और मेंशन कर दूं अपने दोस्तों के नाम, क्योंकि मैं चाहता हूं लोगों को पता चले मेरे खास दोस्त कौन है। तपेश बोस, मतलब अभिषेक बोस है उसका नाम पूरा, और मोंटी, कार्तिके एंड पुलकित। पुलकित और कार्तिके नहीं खेलते गेम क्योंकि चार ही खेल सकते, तो हम चार ही खेलते हैं बाकी। अभी टाइम हो गया है 7:30, गेम खेलने के तुरंत बाद मैंने बनाया था अपना डिनर। तो डिनर में मैंने आज बनाया था पुलाव, तो मेरे को काफ़ी भूख लग रही थी और जल्दी बनाना था कुछ, तो पुलाव बेस्ट लगता है मेरे को बनाना। और अब मैं करूँगा अपने असाइनमेंट्स पे काम, और बाकी जो आज पढ़ाया था कॉलेज में वो एक बार देख लेंगे। और आजकल यहाँ ये पिंपल हो गया है तो इसको इग्नोर करना, बाकी जब मैं रात को सोऊंगा तो एक आखिरी बार मिलता हूँ आपसे, और दिन को और इस ब्लॉग को तब ख़त्म करेंगे। तो इस वक्त रात के बज रहे हैं 11, मैंने अपना असाइनमेंट कर लिया है लगभग फिनिश, और परसों है उसकी सबमिशन, और अब मेरी हो गई एनर्जी डाउन, मतलब हाँ नींद आ रही है, और सुबह मेरी 9 बजे की क्लास है, तो उसके लिए 6 बजे का अलार्म लगा के उठना भी है टाइम से, ताकि मैं और अपना मॉर्निंग रूटीन पूरा कर सकूँ और क्लास में भी टाइम से पहुँच सकूँ। तो यही था इस वीडियो में, और मैं ऐसे ही अपना दिन बिताता हूँ जब मेरा कॉलेज होता है, और जिस दिन कॉलेज नहीं होता उस दिन मैं कुछ और करता हूँ उस टाइम में, तो वो भी मैं एक बार बनाऊँगा उसकी भी वीडियो। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।